नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। एक बात अच्छी बात कही गई है कि खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों आज मैं बता दूं, अभिनव देसवाल ने 24 जैप ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जो ब्राज़ील में खेली गई थी, ब्राज़ील में हुई थी ये प्रतियोगिता, उसमें गोल्ड मेडल हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। चलिए पूछते हैं कि उनका ये जो अचीवमेंट है उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप आगे आते, क्या कहेंगे जो आपको आज गोल्ड मेडल मिला है? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। किसे क्रेडिट देंगे आप, अपने गुरु को क्रेडिट देंगे इस बात का? पापा बहुत बढ़िया देते हैं, अच्छा लगा। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जैसे एक गोल्ड मेडल लाए हैं? देखिए, बहुत गौरव की बात है, भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया लड़का 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, और इसने अपने रुड़की क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कराया विदेश में जाके। विदेश में करीब 117 कंट्री ने भाग लिया था, डैप ओलंपिक चैंपियनशिप थी, डैप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया ये, और मात्र 14 साल का बच्चा है जो इसने अपना इतिहास भी बनाया। मात्र सबसे कम उम्र का बच्चा है जो गोल्ड मेडल लेके आया है, और मैं इसका कोशिश बहुत 14 साल का बच्चा है जो गोल्ड मेडल लेके आया है, उसकी कड़ी मेहनत ने उसे गोल्ड मेडल दिलाया है, और अपना जो गुरु अब मानता है वो अपने डैडी को मानता है, पापा को मानता है। पापा से भी बात कर लेते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरह से जो ये शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, कितनी मेहनत उन्होंने की है। चलिए बात कर लेते हैं इनके पिताजी से। तो साथ में अभिनव देसवाल जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देश का नाम रोशन किया है, रुड़की का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया। सर, जहाँ तक फीलिंग की बात है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं अभिनव का फादर हूँ। और जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, यह आज केवल मेरा बच्चा नहीं है, पूरे देश का बच्चा है और सभी की भावनाएं इसके साथ हैं। और जहाँ तक मेरे क्रेडिट की बात है, केवल मेरे को क्रेडिट लेने की बात नहीं है, कोच साहब का बहुत बड़ा रोल है, हमारे पार्षद, पूरे समाज और कहीं ना मिनिस्ट्री, अनुराग ठाकुर जी, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा, सभी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जैसे आपको गुरु बता रहे हैं, तो कैसे मेहनत कराई आपने? मेहनत तो सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चे की ही होती है, पापा का बड़ा रोल रहता है, पापा का बड़ा रोल है। जैसे जैसे जिस चीज की आवश्यकता थी वो हम करते गए, तो यही मेन चीज रही कि टाइम उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकताओं को समझा, उसके जुनून को समझा, उसकी मेहनत को समझा, और उसके हिसाब से चीजें होती चली गई। जब कोरोना का टाइम था, घर में शूटिंग रेंज लगा के अभिनव रात दिन मेहनत करता रहा, और जैसे ही मौका मिला तो ये अचीवमेंट आपके सामने। तो मेहनत का फल तो मिलना ही है, भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल जी भी उन्हें बधाई देने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चे के लिए? सर, आज रुड़की के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। एक रुड़की के लाल ने जो है पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। मैं बेटे को, उनके माता पिता को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, जन्म हर आदमी लेता है, लेकिन जो अपने देश का नाम रोशन करे वो उसका जन्म सार्थक है। आज जो है एक परिवार में जो है उसकी 21 पीढ़ियां ये देख सोचती हैं कि मेरे परिवार में ऐसा रत्न जन्म लेगा जो मेरे परिवार का नाम ऊंचा करेगा। इन्होंने तो अपना परिवार का ही नहीं, पूरे देश का नाम, पूरे उत्तराखंड का नाम, पूरे रुड़की का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बड़ी बात कही है ललित मोहन अग्रवाल जी ने। पार्षद जी यहाँ पर मौजूद हैं, सचिन भाई भी अपनी बॉडी को वैसे ही फिट रखते हैं और यहाँ के जो युवा हैं उन पर सदैव ध्यान देते हैं, क्या कहेंगे सर? भाई, अभिनव ने जो किया है देश के लिए, क्या हमारे शहर के लिए, क्या सबके लिए सम्मान की बात है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो इसने आज उपलब्धि हासिल की है, शायद ही कोई होगा जो इतनी कड़ी मेहनत करेगा। इसने दिन रात मेहनत की है, कोरोना में मेहनत की है, और इनके पापा की मेहनत इनके साथ है, इनके कोच साहब की मेहनत इनके साथ है। बस ये मैं अपील करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार से कि इनके लिए कुछ सोचे। आप भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं पार्षद जी, मैंने देखा है कभी बॉक्सिंग को लेकर, जूडो कराटे को लेकर आप उत्साहित करते हैं बच्चों को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा हमारे युवाओं को, आजकल अगर पढ़ाई में कम ध्यान है कोई बात नहीं, अपना खेल में ध्यान लगाएं, उससे हमारे देश का नाम भी रोशन होगा और उनका भी नाम रोशन होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप कैरियर आप पढ़ाई में बनाओ, आप खेल में अपना कैरियर बना सकते हो। तो खेलेगा इंडिया इसलिए आगे बढ़ेगा इंडिया? बिल्कुल खेलेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। अभी खेलो इंडिया में भी जाएगा ये और ओलंपिक में भी गोल्ड आएगा ये, आने वाले टाइम में आप देखते रहिए सब कुछ का होगा। यहाँ पर बड़ी बात कही गई है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्वर्ण पदक लाना, और एक बात और भी है, मेहनत रंग लाती है। बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे क्षेत्र से, रुड़की नगर निगम क्षेत्र से दो दो बच्चे
भाई अभिनव और भाई शौर्य जो हैं ब्राज़ील में गए डफ्ट ओलंपिक में, लगभग 78 देशों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और भारत को इसमें 8 पदक मिले। 8 पदक में से 2 पदक रुड़की के बच्चे लेके आए हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। रुड़की का मान सम्मान गौरव इन्होंने बढ़ाया है और देश का गौरव बढ़ाया है। इन दोनों बच्चों की मैं ईश्वर से उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी प्रकार ये बढ़ावा खेलकूद को मिलता रहे और इनके आने वाले समय में और प्रतिभा यहाँ से निकले, मेरे से कामना। जैसे हरियाणा सरकार प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन देती है, उन्हें बढ़ोतरी देती है, सब सुविधाएँ प्रदान करती है, तो अभ्यास वाल के लिए भी कुछ करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरे लायक जो भी होगा मैं शासन प्रशासन स्तर पर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड सरकार से इसकी ज़रूर विषय रखूँगा कि यहाँ के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से स्पोर्ट अकेडमी का गठन किया जाए। धन्यवाद। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और रुड़की के इतिहास में ये दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ब्राज़ील में इस बच्चे ने महारत हासिल करी है और गोल्ड मेडल लेना अपने आप एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है जो इस बच्चे ने किया है। अभिनव देशवाल को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये बच्चा अगर प्रैक्टिस करेगा, इस पर इतनी प्रतिभा है कि आने वाले समय में ओलंपिक में भी ये खेले और वहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जैसे हरियाणा सरकार बच्चों को प्रोत्साहन करती है, आगे बढ़ने का मौका देती है, तो आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं? अभिनव देशवाल जैसे जो लड़के हैं जो मेडल जीत कर लाते हैं उनके लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए जरूर प्रतिभा बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं बात करूँगा इस बच्चे के बारे में और उसको प्रोत्साहन राशि दिलवाएंगे और इसको जरूर कहते हैं इसका सम्मान भी करेंगे।